खतियानी आंदोलनकारी टाइगर जयराम महतो ने पिछले दिनों ईचागढ़ के पिलिद में अपनी सभा से पूर्व हुए पत्रकारों से दुर्व्यवहार मामले पर सार्वजनिक तौर पर माफी मांगते हुए अपने समर्थकों के संयम बरतने और भविष्य में इस तरह की घटना ना हो इसका ध्यान रखने की अपील की है। उन्होंने पत्रकारों को अपने आंदोलन का हिस्सा बताते हुए उनका सम्मान करने की अपील की है। करते हैं और हम लोग व्यक्तिगत रूप से टेलीफोनिक बात करते हैं, मिलकर सम्मानित नहीं क्योंकि मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं और आश्वस्त रहे कि उनकी ओर से हम नकारात्मक बातें नहीं आएंगी। अगर हम लोग आपके प्रति नेगेटिव रहते हैं ना इतने दूर से नहीं आते, उसके लिए आभार। और हम लोग हमारे बीच नहीं चाहते हैं कि हम लोग बीच अगर मन बढ़िया माहौल रहे तो हम लोग चिन्हित करेंगे उनको और संभावना हम लोग उन्हें प्रत्युत्तर देंगे। बता दें कि पीड़ित की घटना के बाद सरायकेला के पत्रकारों ने जयराम के कार्यक्रमों का बहिष्कार करने की घोषणा की थी, जिसके बाद जयराम के समर्थकों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मीडिया कर्मियों को ट्रोल करना शुरू कर दिया था। मामला बिगड़ता देख खुद जयराम ने पत्रकारों के साथ बैठक कर मामले का निपटारा करने की इच्छा व्यक्त की। इस निमित्त निमडी के रघुनाथपुर में शुक्रवार को जिले के पत्रकारों के साथ जयराम ने बैठक की और अपने कार्यक्रम में पत्रकारों के साथ हुए दुर्व्यवहार पर खेद जताते हुए भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो इसका भरोसा दिलाया। उन्होंने अपने समर्थकों से पत्रकारों के प्रति अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग नहीं करने और यदि कोई उनके संगठन के नाम पर पत्रकारों के खिलाफ अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग या दुर्व्यवहार कर रहे हैं तो उन्हें चिन्हित करने की अपील अपने लोगों से की है। उन्होंने कहा, वैसे लोग हमारे समर्थक नहीं हो सकते, वे हमारे आंदोलन को कमजोर करना चाहते हैं। वैसे लोगों को हम चिन्हित कर रहे हैं। वार्ता के बाद पत्रकारों ने भी जयराम को सहयोग करने का आश्वासन दिया। तमाम झारखंड वासी और विशेष कर चुकी अभी हम गुलाम में है और सरायकेला जिला में है तो सरायकेला के जिला की तमाम जो हमारे समिति के सदस्य बने हैं जो आंदोलन में सक्रिय हैं उनसे निवेदन होगा कि इस आंदोलन में सबसे बड़ा अगर रोल किसी का है तो पत्रकारिता का है, सोशल मीडिया हो, डिजिटल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, और इनके माध्यम से एक छोटा सा आंदोलन, छोटे से गांव से निकला आंदोलन, छोटे छोटे छात्रों के बीच से निकला आंदोलन आज पूरे राज्य में व्यापक हो चला है। राज्य के बाहर के जो पड़ोसी राज्य हैं उनकी सीमाओं तक ये आंदोलन के चर्चे हैं, तो इसका योगदान कहीं ना कहीं पत्रकारिता का है। तो हम चाहेंगे कि जो भी अगर कुछ ऐसे सामाजिक लोग अगर बीच में आ रहे हैं जो चाहते हैं कि पत्रकारिता और इस आंदोलन के बीच जो मधुर संबंध है उसे अगर आप किसी प्रकार का अवहेलना करना चाहते हैं तो हम चाहेंगे आप लोग इस प्रकार का ना करें और एक सुंदर मैसेज रहे पत्रकारिता और पब्लिक के बीच। और पत्रकारिता जो कि लोकतंत्र का हमारा चौथा स्तंभ है, उन्होंने हमेशा इस आंदोलन को सक्रिय रहे इस आंदोलन में और हमारे इस छोटे से आंदोलन को जो मैंने काफी कम समय में एक व्यापक बनाने का उन्होंने काम किया है। तो मैंने पूरे राज्यवासियों की ओर से और पूरे अपने आंदोलन के साथियों की ओर से हम पत्रकारिता लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का बहुत बहुत सहृदय आभार जनाते हैं और तमाम पत्रकारिता से जुड़े बंधुओं के हम उज्जवल भविष्य उनके स्वस्थ शरीर की कामना करते हैं। अपने समर्थकों के लिए क्या कहें? हम अपने समर्थकों से ये कहना चाहेंगे कि आप अगर पत्रकारिता के संबंध में उनसे हमारा सामंजस्य वह उनसे हमारा इस आंदोलन में योगदान रहा है तो आप कृपया किसी भी प्रकार से कोई नकारात्मक विषय उनके संदर्भ में ना रखें। पत्रकारिता सदैव पूजनीय है, हमारे आदर्श हैं, उनका सदैव स्थान उच्च कोटि है।